नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग का स्टॉल देख रहे हैं। तमाम तरह के प्रकाशक यहाँ पर पुस्तक मेले में भाग ले रहे हैं और ये थीम मंडप का दृश्य है। थीम मंडप पर लगातार जो है कार्यक्रम हो रहे हैं, पुस्तक लोकार्पण हो रहे हैं। मेला दर्शक अपनी अपनी पसंद की पुस्तकें देख रहे हैं, खरीद रहे हैं। और जैसे यहाँ पे इंडिका किताब वाले अपने स्टॉल पर भी ये बैठकें हो रही हैं। पुस्तक लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। किताब वाले द्वारा प्रकाशित सिंहावलोकन गदर से गणतंत्र, ये लेखक हैं केडी शर्मा जी। दिसंबर से पहले नवंबर 24 नवंबर 1946 यानी आजादी से ठीक पहले मेरठ के अंदर मेरठ कांग्रेस गुलाम भारत का आखिरी कांग्रेस का शासन, उसने सरदार पटेल का जो भाषण उस वक्त मेरठ के लोग सुन चुके थे। गढ़गंगा का मेला था, जब मेले से हमारी गाड़ियां किसानों की गाड़ियां, तो इस तरह से आज़ादी के बारे में ये पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। और अन्य स्टॉल हैं यहाँ पर, एक विहंगम दृश्य आरजीएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा दिखाने की कोशिश हो रही है। बहुत ही सुंदर एयर कंडीशन हॉल राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा बनाया गया है और विश्व बुक्स का भी यहाँ पर स्टॉल है। प्रकाशकों को अच्छी सुविधा, अच्छा माहौल, और जो पुस्तक प्रेमी हैं, जो मेला दर्शक हैं, विवा बुक्स का जो स्टॉल है, ब्लैक स्वैन, ओरिएंट ब्लैक स्वान, ये स्टॉल है। चलने फिरने के लिए बहुत ही सुविधाजनक माहौल। और यहाँ गुडविल पब्लिशिंग हाउस अपनी नई पुरानी किताबों का प्रदर्शन कर रहे हैं। ओशो पब्लिकेशंस भी भाग ले रहा है। ये सब कुछ थीम मंडप के अगल बगल का दृश्य है, जो हॉल नंबर 5 है। दिल्ली बुक स्टोर का सामने स्टॉल है। आरजीएस पॉजिटिव मीडिया की एक कोशिश है कि हम लोग आप तक एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत कर सकें, और इसी ख्याल से जो भी प्रकाशक आए हैं उसके बारे में जानकारी दे सकें। और अब हम लोग साहित्य एकेडमी के सामने जो आयुष वेदम कमल आनंद जी यहाँ पर स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हाँ, कमल आनंद जी का एक दूसरा परिचय, प्रकाशक तो हैं साथ में आरजीएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना कमल आनंद जी के स्टॉल को कवर किया जाए और इन बातों को पहुंचाया जाए और कुछ स्वास्थ्य की बातें की जाए, कुछ हाइजीन की बातें की जाए, और जो थेरेपी है उसकी बातचीत की जाए। तो स्पेशलिस्ट हैं कमल आनंद जी, स्वागत है। आरजीएस पॉजिटिव मीडिया के लिए बताएं कि कैसा रहा और कैसा चल रहा है ये पुस्तक मेला। पुस्तक मेला तो हमेशा से अच्छा है, पुस्तक मेला तो हमेशा से अच्छा रहा है।
जब से मैंने पुस्तक लिखी है तब से ही मैं आता हूँ हर एग्जीबिशन में। और जहाँ तक रहा स्वास्थ्य का संबंध, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, उनको फिर से याद कराना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक सेल्फ फीलिंग की जो चीज़ें हैं वो भूल चुके हैं। उसमें आपका है एक्यूप्रेशर, आरजीएस फैमिली को संबोधित कीजिए, ये आपकी आरजीएस फैमिली जो है। हाँ, हम तो संदेश, हमारे तो उदय बनना ही हमारी फैमिली है जी, सभी लोग मिलकर हम आरजीएस फैमिली होता है। हाँ, तो कमलानंद जी बताएं कि 3 दिन हो गए, कैसा रिस्पॉन्स रहा? बहुत अच्छा जी, बहुत लोग आते हैं, बहुत पवित्र आत्माएं आती हैं, जो अपना जिसको जो ज्ञान लेना होता है वो जरूर आता है और आके लेके जाते हैं। सुबह से शाम तक हम बैठे रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है, और नई बातें शेयर करते हैं, वो हमसे अपनी बातें शेयर करते हैं। और कई बार वो जब एग्जीबिशन में आते हैं तो अपनी प्रैक्टिस जो है ना, सुबह हम 7 बजे प्रैक्टिस शुरू करते हैं, रात के 10-11 बजे तक प्रैक्टिस होती है, तो लोग बोलते हैं छोड़ के जाते क्यों हमें, तुम जो हमारे मेरे पेशेंट हैं वो छोड़ के क्यों हमें छोड़ के चले जाते हो, क्या मिलता है तुम्हें वहाँ? तो मुझे लगता है कि अगर जब तक सिर्फ आप ही नहीं है वहाँ पर, और मेरा बड़ा परिवार है जिनको मुझे बताना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आप हर एक दिन में 25,000 तो पेशेंट नहीं देख सकता, तो उससे ज़्यादा पेशेंट देखने के लिए मेरे को लोगों को बताने के लिए कि अपने आप से कैसे स्वस्थ रहें, उसके लिए मेरे पास टूल्स हैं, बुक्स हैं, वो करने से लोग अपने आप स्वस्थ हो जाते हैं, लोग मिलते हैं, बच्चे आते हैं। जैसे आप अगर बताना चाहें कि कौन से टूल्स हैं, स्वस्थ रहने के क्या उपाय हो सकते हैं? हाँ, टूल्स जैसे ये हैं, इसमें एक्यूप्रेशर रिंग है, इस रिंग को अगर आप हर उंगली में ऐसे चलाएं तो हर ऑर्गन को चार्ज करता है। ये गर्दन है सर, ये गर्दन रीजन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ब्रेन है, इस जगह पे लंग्स हैं, इसको ये एक्टिवेट करेगा, जिससे आपकी सांस की तकलीफ जो आजकल कोविड के बाद स्पेशली लोगों को हुई है वो नहीं होती है। फिर ये दूसरी उंगली में चलाइए इसको, हर उंगली 5 से 7 बार 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा चलाइए, तो ये आपको बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन को चला देता है। इसको क्या कहते हैं? इसको सुजोग रिंग बोलते हैं जी। अगर आपकी उंगली में अगर आपका सर्कुलेशन बढ़िया चल रहा है तो बॉडी में सर्कुलेशन भी बढ़िया चलाएगा, और बॉडी में जब सर्कुलेशन बढ़िया होता है तो आप बीमार नहीं होते। और इसका दूसरा है ये हेड मसाज, ये है हमारा करेला बोलते हैं इसको, ये कई तरह की बीमारियों से आपको बचा के रखता है। बॉडी में 365 पॉइंट होते हैं, उन 365 पॉइंट को एक्टिव करने का काम ये करता है। यहाँ से शुरू करते जाएं और पैर तक जहाँ जहाँ आपका लगता है उसको लगाते जाएं। उसके बाद ये है हेड मसाजर, हमारे 365 में 100 पॉइंट ब्रेन में होते हैं, इसको चलाने मात्र से एक बॉडी में एक तरंग नहीं नहीं फंसता। अभी फसल चलाया मैं तो लेडीज़ के भी चलाता हूँ, लेडीज़ का भी नहीं फंसता है, घने बालों में कहेंगे? इसको हेड मसाजर बोलते हैं। अच्छा, जो 100 पॉइंट्स ब्रेन को एक्टिवेट, ये आयुष वेदांत के द्वारा ही बनाया गया है? नहीं नहीं, ये तो कोई कई लोग बनाते हैं। अच्छा, आयुष वेदांत सिर्फ जो है हीलिंग करता है, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट करता है। उस ट्रीटमेंट में जो भी हेल्प है सपोर्टिव देते हैं, क्योंकि हर बार कई बार पेशेंट दूर से आते हैं तो आ नहीं पाते मेरे क्लिनिक पे, तो इसलिए करने से वो अपने आप करने से उनको अपने आप ही हीलिंग और बढ़िया होती है, तो अपना फिर जब तक जीते मस्त होकर जीते हैं। हाँ, इसके अलावा आपके पास बुक्स भी हैं? हाँ, कुछ उसके बारे में बताएंगे? मैंने सबसे पहली पुस्तक लिखी थी नेचुरल हेल्थ एंड हीलिंग, ठीक है, उसके बाद लिखी स्वस्थ जीवन के रहस्य जी, उसके बाद मैंने एक डॉक्टर के साथ मिलकर तीसरी किताब लिखी, इसमें योग के जो 7 केंद्र होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उसके विचारों को, हमारे हम लोग सब पॉल्यूशन की बात करते हैं तो पॉल्यूशन में विचारों का पॉल्यूशन बड़ा खतरनाक पॉल्यूशन है, उसको दूर करने के लिए ऐसे एफर्मेशन से, और योग के जो नियम है 12 नियम वो इस पर लिखे हैं कि योग के 12 नियम पालने से आपके अंदर जो सामर्थ्य आता है, जो एकाग्रता बनती है, जो तेज जीवन में तेज आता है, कि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है और बुद्धि में तेज नहीं है, तो जो आपकी उपलब्धियां हैं वो आपके लिए वैल्यू नहीं रखती हैं। तो हमेशा याद रखें, शरीर को स्वस्थ रखें, मन को खुश रखें और बुद्धि को तेजस्वी बनाएं, यही जीवन का सार है। उसके बाद फिर जो भी आप काम करते हैं वो सेवा की भावना से करें, और खाने पीने में बहुत ध्यान दें। आजकल हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके खाते हैं, उससे सब बीमारियाँ बढ़ रही हैं, जितना फर्टिलाइज़र है वो भी आपको नुकसान कर रहा है, आपको तली हुई चीज़ें जो है चाट पकौड़ी इतनी सारी हो गई हैं तो आपके लीवर को डैमेज कर रही हैं। लीवर का ख्याल रखें, लीवर आपकी बॉडी में राइट साइड में होता है, तो लीवर हैज़ टू बी राइट ऑल द टाइम, ठीक है। और जितना आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा, लंग्स, इसलिए बड़ी बड़ी सांस लंबी लीजिए, नाभि तक प्राण को जाने दीजिए, नाभि तक सांस को जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके कैल्शियम बनाएगा बॉडी में,
कैल्शियम बनाएगा तो आंतों की सफाई हो जाएगी, आंतों की सफाई होगी ना तो कमर का दर्द होगा, ना घुटने का दर्द होगा, ना बीमारी आएगी। शरीर और मन जुड़े हुए हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है तो मन भी कमज़ोर हो जाता है। दवाई लेते हैं तो शरीर के साथ तो मन का इलाज नहीं हो पाता, तो मन के इलाज के लिए थोड़े सा ध्यान, प्राणायाम, औषधि, आप आयुर्वेद की जो औषधि है उसको अगर आप लेंगे तो मन के रोग भी आपके उससे धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। इतना ही आज के लिए काफ़ी। सकारात्मक सोच इसमें कितना मदद कर सकते? सकारात्मक सोच के लिए तो ये बुक है, क्योंकि अगर हमने आयुर्वेद के बारे में सब बता दिया तो आपकी सोच सकारात्मक है। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूँ, इसमें जैसे लिखा है समटाइम्स वी क्रिएट आवर ओन हार्ट ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेशंस। है ना, इफ यू वॉन्ट टू नो वे टू फाइंड योर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, लुक एट योर वूंड्स, देन यू लर्न हाउ टू हील देम, टीच अदर्स। एफर्मेशन है, हैप्पीएस्ट मैन इज ऑल्सो इज हु लर्न फ्रॉम द नेचर द लेसन ऑफ वर्शिप। बी हैप्पी नॉट बिकॉज एवरीथिंग इज गुड, बट बिकॉज यू कैन सी द गुड साइड ऑफ एवरीथिंग। ठीक है ना, तो प्योर हार्ट इज द ग्रेटेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, डोंट बिलीव द स्माइलिंग फेस बट बिलीव द स्माइलिंग हार्ट, दे आर वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड। जी, और ये सब कुछ संभव है, ये सब कुछ संभव है। तो अगर आपके विचार, अगर आपके केंद्र जागृत हैं तो ये हारमोनी ऑफ सेवन योगा चक्रास विथ वर्ड्स ऑफ विजडम, यही पॉजिटिव किताब है, और ये कमल के आनंद जी ने डॉक्टर परविंदर कोहली जी के साथ मिलकर लिखा है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आरजेएस फैमिली के लोगों का स्टॉल भी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 में है। और स्वस्थ जीवन के रहस्य, ये योग, ध्यान, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर और होम्योपैथी पर आधारित है। तो कमल आनंद जी से हम लोग मिलेंगे, वैसे वेबिनार में आप लोग कमल आनंद जी से मिल भी चुके हैं। वेबिनार वैसे भी अभी हमारा यहाँ पर सेमिनार भी होने वाला है, सेमिनार 4 में जी बता देते, शनिवार को शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक, शनिवार को 4 तारीख को, 4 मार्च को आप लोग 1:30 बजे 4:30 बजे आइए, 4 बजे कहाँ पर है वो, हॉल नंबर 4 में, हॉल नंबर 4 में सेमिनार हॉल के अंदर, सेमिनार हॉल के अंदर है, बहुत बड़ा हॉल है। तो आरजेएस फैमिली वहाँ आइए, आप लोग 4:30 बजे आइए और मेला भी घूमकर 4 बजे वहाँ पहुँच जाइए, या यहाँ आइए, सेमिनार अटेंड कीजिए कमल आनंद जी का, और स्वस्थ इनसे मिलिए भी, और मिलकर जो है और भी अपनी जानकारी प्राप्त कीजिए। और ये हॉल नंबर 5 में जो स्टॉल है, कितना नंबर है, 490 स्टॉल है, ये साहित्य अकेडमी के सामने है, और उधर दिल्ली बुक स्टोर है, वहाँ से ये दिखाई दे देगा आपको। और यहाँ पर आइए और कमल आनंद जी से मिलिए, और इनको आरजेएस फैमिली को ये किताब भेंट की गई है, स्वस्थ जीवन के रहस्य। तो इस किताब को प्राप्त करने के लिए आपको 1 मार्च को 2 बजे आना पड़ेगा, 4 मार्च को नहीं, अच्छा इस ये किताब जो आरजेएस फैमिली को भेंट की गई है, इस किताब को पाने के लिए लॉटरी सिस्टम लगेगी, और आप जो है लेखक मंच पे 2 बजे आइए, 1 मार्च को 2 बजे, बुधवार का दिन है, 1 मार्च यानी परसों आप आइए। लेखक, हाँ आपका सेमिनार हॉल वाला नहीं, सेमिनार वाला तो अच्छा, लेखक मंच पे आरजेएस अच्छा। का भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानी पर कार्यक्रम है अच्छा। तो कमल आनंद जी को भी आमंत्रित करेंगे कि थोड़ा समय निकाल कर आप पहुँचे, बेशक 2:30 बजे आप आ जाएं, और स्वस्थ जीवन के रहस्य। तो ये है आरजेएस फैमिली, आरजेएस फैमिली जो है पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया का कैंपेन चला रही है, और उसके तहत ये वॉलंटरली सपोर्ट नई दिल्ली पुस्तक मेला 2023 को पूर्व की भांति, पहले भी हम लोगों ने इसको वॉलंटरली सपोर्ट किया है, तो वहाँ पे पुस्तक वितरण किया जाएगा, तो उसे प्राप्त करने के लिए भी आप लोग आइए, और एक नई चीज़ के बारे में अंतिम जानकारी प्राप्त करते हैं। जो नौजवान है उनकी एकाग्रता भंग हो चुकी है, डिस्ट्रैक्शन के बहुत रास्ते हैं, कोई इंटरनेट पर बैठा है, कोई फेसबुक पर बैठा है, तो आपकी एकाग्रता से टूट जाती है। अब आपको क्या करना है, इस तरह सेंटर पे बिना पल झपके बच्चों को आदत डालिए, इसको सीखें, इसको बच्चे अगर एकाग्रता का साधन करना सीख गए तो जो ऊंचे और नीचे व्यक्ति की पहचान उसी एकाग्रता से होती है। जितना बच्चा एकाग्र होगा उतना ऊंचा होगा, जितना व्यक्ति एकाग्र होगा उतना महान होगा। तो ये एकाग्रता में रहस्य, शांति, क्षमा और धैर्य एकाग्रता में है। तो एकाग्रता को साधने के लिए ये नाटक मैंने बनाया है, जो बुक में लिखा है कैसे करते हैं, इंग्लिश वाली बुक में और हिंदी वाली बुक में सब में लिखा है, और इसको करने से आपके शरीर में
कई तरह के केंद्र जागृत होते हैं जो आपको ऊंचाई की तरफ लेके जाते हैं जी। और उम्र में कुछ उम्र के साथ साथ ब्रेन के कुछ सेल डेड हो जाते हैं, उन सेल को एक्टिवेट करके रखता है। इसलिए आप ये इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम है त्राटक का, वो क्या त्राटक बिंदु बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। अच्छा, तो एकाग्रता के लिए ये है, आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, खास करके विद्यार्थी समुदाय के लिए आयुष विराम द्वारा ये गिफ्ट में देता हूँ मैं पुस्तक के साथ में। और जो आज से वो लेना चाहेगा तो वहाँ पर हम लोग इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और कमलानंद जी भी आएंगे 1 मार्च को 2 बजे। तो कमलानंद जी, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से तरक्की करें और लोगों को स्वस्थ रखें, और आरजेएस फैमिली को बीच बीच में आप संदेश देते रहें, वेबिनार में भी हम लोग आपको बुलाएंगे। जय हिंद, जय जय भारत, जय भारत, धन्यवाद।